subscribe to our channel and press the bell icon for all notifications. सामने खड़े हैं मेरे मैं ओके तो बताइए कि ये जो लाइन है ये जो टोन है हाँ. ये नॉर्थ इंडियन की टोन जी आप इसकी एक झलक आ रही जी. तो ये कैसे डिसाइड किया आपने कि इस तरह का करना है. मैंने सोचा कि ऐसी कोई चीज़ करूं जो ऐसे कोई लिरिक्स करूं जो हर लड़की आजकल रिलेट करती है अपने से. तो एक गाना हमने उसी के ऊपर लिख दिया एंड किसी को किसी के ऊपर पर्सनली अटैक नहीं कर रहे हैं बट एक यूजुअल फनी नॉटी गाना है जो हम सब हर लड़की और हर लड़का रिलेट करेगा एंड फनी गाना है. अब फेस्टिव सीज़न शुरू हो रहा है हमने कहा थोड़ा सा यू नो मौज मस्ती वाला माहौल बनाए एंड एक कलरफुल हैप्पी फन सॉन्ग दे लोगों को लाइट हार्टेड जो फैमिली में सब सुन सकें और डांस कर सकें और यू नो इस बारे में चर्चा कर सके. तो एक्चुअली इसीलिए कि गाना ऐसा बनाया. और कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल बिग चीटर मोहन शूटिंग के दौरान का? शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आया. शब्बीर अहमद जी ने ये लिरिक्स लिखे हैं, आदित्य देव ने सारी इसकी म्यूज़िक की अरेंजमेंट करी है एंड अदरवाइज गाना का को म्यूज़िक डायरेक्ट मैंने किया है. तो वो भी एक एक्साइटमेंट था कि बहुत समय बाद मैं ये कर रही हूँ एंड वीडियो अच्छा बन के आ गया है एंड वायरल ओरिजिनल्स के साथ हमने कोलैबोरेट किया है. तो पहली बार उनके साथ भी काम कर रही हूँ तो एक बहुत एक्साइटिंग और नया प्रोजेक्ट जी. एंड अगर मैं गाने की अगर मैं बात करूँ काफ़ी गाना काफ़ी कैची है लेकिन जो उसकी लाइंस जो बनाई गई जी वो आपके लिए कितना कंफर्टेबल था, आपके लिए कितना इजी था म्यूज़िक को डायरेक्ट करना? एक्चुअली मेरे लिए बहुत इजी था, लिरिक्स तो बहुत इजी थे क्योंकि मैं यूपी की लड़की हूँ एंड ये भाषा जो है यू नो बहुत ही मैं छोटे से पले बड़े ऐसी भाषा सुनते हुए तो एक मैंने सोचा आज तक बहुत पंजाबी गाने ही गाती आई हूँ. मैंने कहा एक डिफरेंट कोई फ्लेवर निकालूं, कोई नई चीज़. तो इस करके ये गाना लिखा गया. क्योंकि कनिका जी मैंने आपके सारे गाने जितने भी मैं सुनता हूँ आपके सारे गाने हिट हैं. तो कोई भी जब आपका गाना आता लाइक किसी फिल्मों का हो या इस तरह से इंडिपेंडेंट अपने आप को टेंशन हो जाती है कि कहीं आपको पसंद नहीं आया फिर क्या होगा? आपको मतलब रिलीज होने से पहले आपको कुछ प्रेशर होता है कि ये लोगों को पसंद आएगा या? अब मेरा कल गाना निकल रहा है तो मुझे आज प्रेशर अभी तक तो नहीं है बिकॉज मुझे हिट नहीं किया है कि कल सुबह गाना आ रहा है. बट अभी थोड़ा एक्साइटेड हूँ बट हो सकता है सुबह थोड़ा तो मैं जो भी बोलूँ थोड़ा प्रेशर तो होगा कि लोगों को क्या वर्डिक्ट क्या होगा यू नो कुछ तो लोग कहेंगे. सो क्या कहेंगे ये सुनना चाहती हूँ. क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन का गाना है या हम कह सकते हैं उस टाइप्स का गाना है तो घर वालों को किसी को अब तक आपने सुनाया? मैंने अपने पेरेंट्स को सुनाया, उनको बड़ा मज़ा आया. अपनी दादी को सुनाया, उनको बहुत ही मज़ा आया. वो 90 साल की हैं तो मुझे लगा कि अगर एक डिफरेंट इस गाने के लिए एक डिफरेंट क्लाइंटेल है और सबको इसके लिरिक्स नहीं समझ में आएंगे लेकिन चीटर मोहन सबको पसंद समझ में आएगा और पसंद बहुत आया. म्यूज़िक सबको बहुत पसंद आया है. तो कहीं ना आजकल डिपेंड करता है कितने पंजाबी गाने निकल के आ रहे हैं लेकिन उनको सबको मेरे बहुत से ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आज तक नहीं पता कि चिट्टियाँ कलाइयाँ क्या होती हैं और बेबी डॉल मैं सोने दी का मतलब क्या है. लेकिन वो गाना ये ज़रूर बजाते हैं और सुनते भी हैं क्योंकि उनको मेलोडी पसंद है, उसका पूरा एक गाना पसंद है. सो आई थिंक लोग इवॉल्व कर रहे हैं एंड आई एम श्योर कि ये गाना एक फैमिली सॉन्ग है एंड सबको पसंद आए. हाय एवरीवन, डिड यू डाउनलोड योर टीवी ऐप? नो, देन गो एंड डाउनलोड फ्रॉम योर प्ले स्टोर वेयर यू विल गेट न्यूज एंड एंटरटेनमेंट मसाला. सो गो हरी अप एंड डाउनलोड इट योर टीवी ऐप. Oh,